हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट कब आएगा, कब होगा उसका मेंस। तो जहां तक चांसेस है कि एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट आपका अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है और बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस जो आपका जनवरी के लास्ट वीक में ही होना है, तो इस वजह से जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। प्री के बारे में न सोच के अभी मेंस के बारे में सोचते हैं, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेन्स की, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेन्स होने वाला है। जस्ट 4-5 दिन बचे हैं आपके। जिनका भी एसबीआई क्लर्क मेन्स है, सबसे पहले सभी को ऑल द बेस्ट। एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अभी तक इतनी अच्छी हो गई होगी। बट जिन लोगों का फर्स्ट मेंस है, जिन लोगों का पहली बार वो मेंस में अपियर होने जा रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करना है। कहाँ पीडीएफ है मेरे पास जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जो कि ऑली बोर्ड का बोल्ड पीडीएफ है। ये काफी अच्छा है, आप यहाँ से थोड़ा रिविजन कर सकते हो। 3 महीने, लास्ट के 3 महीने के रिविजन कर लो अच्छे से। 3 महीने इनफ है आपके लिए अगर आप एसबीआई का दे रहे हो, क्योंकि 3 महीने एसबीआई का ये पैटर्न देखा गया है कि वो लास्ट के 4 महीने पूछता है, बट इतना टाइम नहीं। अगर आप 3 महीने भी अच्छे से करके चले जा रहे हो तो ठीक है, लास्ट के टाइम पे आप कितना ही कर लोगे। तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसे ही उस लिंक को ओपन करेंगे, इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली करंट अफेयर, दिसंबर का पीडीएफ, नवंबर पीडीएफ, अक्टूबर पीडीएफ, सितंबर पीडीएफ, जो हमारे काम का है। ये 4 महीने हमारे काम के हैं और कम से कम 3 महीने तो प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां पर आप क्लिक करेंगे पीडीएफ में तो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको लॉगिन करना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब डालकर आप लॉगिन करना, तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको। ओके, एंड कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। एंड जिनका एसबीआई पीओ मेंस है, उनके पास अभी टाइम है थोड़ा, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट के 4 महीने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ऑली बोर्ड का ये जो पीडीएफ है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस पीडीएफ में पूरा अच्छे से दिया हुआ है दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर का एंड सितंबर का। तो ये 4 महीने जो है आपके, एंड आई होप कि जनवरी आप लोग करते जा रहे होगे डेली डेली का, राइट। ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4 महीनों से करंट अफेयर बहुत पूछे जाते हैं। और एसबीआई का पैटर्न आरआरबी के पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता है। आरआरबी में बहुत डीप में करंट अफेयर पूछा जाता होगा, अगर आपने मेंस दिया है तो आपने देखा होगा। बट एसबीआई का ऐसा नहीं है, एसबीआई का थोड़ा अलग रहता है। एसबीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर के, वो अधिकतर वन लाइनर ही होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डीप भी नहीं करना है, तो आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कम से कम 4 महीने तो अच्छे से आप याद कर सकते हो एसबीआई पीओ मेंस के लिए। एंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लोग मेंस में अपीयर किए हैं वो जानते हैं, मुझे भी पता है कि मेंस में करंट अफेयर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से आप कट ऑफ से आगे जा सकते हो। अगर आपका करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं है तो आप कट ऑफ से नीचे आ जाते हो। तो मेंस में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। एंड आप लोगों ने मॉक कितने लगाए हैं, कितने नंबर आपके मेंस में आ रहे हैं, उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। कल मैं वीडियो ला रही हूँ मेंस के लिए कि एसबीआई पीओ मेंस में किस तरीके से हमें रीजनिंग को सॉल्व करना है, तो उसके लिए जुड़े रहिए चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।